पढ़ा लिख करके मेरे बच्चे को वहां बुलवाया और फिर मार डाला मार डाला।
है तुम्हारा? अहमद की बॉडी जिंदा नहीं हॉस्पिटल जाई थी? जी सर। रहते तुम मलिर के अंदर हो, नॉर्थ में क्या कर रहे थे? जो जानते हो खुलकर बताओ, कुछ नहीं होगा। क्यों गए थे वहाँ पर? सर मैं तो अहमद की वजह से गया था, उसने बोला था चलने के लिए तो मैं चला गया। गए क्यों थे? सर अहमद की दोस्त से मिलने। दोस्त? कोई बात बताओ शुरू में। सर वो अहमद उस दिन 11 बजे मेरे घर आया था। यार तू अभी तक सो रहा है? तू इतनी सुबह क्यों आया? सुबह 11 बज रहे हैं। तो 11 बजे सुबह ही होती है। अच्छा चल छोड़ना, तू जल्दी से तैयार हो, नॉर्थ जाना है। नॉर्थ क्यों यार? लुबना से मिलने हैं, और क्यों? तू बस आधे घंटे में तैयार हो जा। यार मैं नहीं जा रहा यार इतनी दूर। चल चल मुझे नहीं पता, आधे घंटे में आ रहा हूँ, तू तैयार रहे बस। यार बात सुन, यार सुन तो। दो कोल्ड ड्रिंक चाहिए। बैठ। नहीं नहीं 10-15 मिनट में आता हूँ, तू बैठ। मैं आया बस 10-15 मिनट ही हूँ। 10-15 मिनट ही हूँ। हाँ तुम मलिर के अंदर नॉर्थ में क्या कर रहे थे? सर वो अहमद उस दिन 11 बजे मेरे घर आया था। तू जल्दी से तैयार हो, नॉर्थ जाना है। नॉर्थ क्यों यार? लुबना से मिलने हैं, और क्यों? तू बस आधे घंटे में तैयार हो जा।
लड़के को? हाँ दोस्त था मेरा। एम्बुलेंस एम्बुलेंस का क्या हुआ यार? तो मैं नहीं पता कि वो कैसे गिरा था या गिराया गया था। तो मैंने कहा ना आपसे कि मैं तो वहाँ रश देख के गया था तो मुझे पता चला। तुम जानते हो लड़की का फ्लैट कौन सा है? नहीं सर। दोस्ती कैसे हुई दोनों की? एक मलीर में है दूसरी नॉर्थ में है। सर वो इंटरनेट पे, मेरा मतलब है कि फेसबुक से। सर अहमद के वालिद हैं। ठीक है तुम जाओ मैं आ रहा हूँ। ओके आसिफ, फिर ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा बुलाएंगे, फिलहाल तुम जा सकते हो। ठीक है सर, शुक्रिया। आप मेरी बात का यकीन करो, इन लोगों ने प्लानिंग करके मेरे बच्चे को वहां बुलवाया और फिर मार डाला, मार डाला। ये आप कैसे कह सकते हैं? कोई हादसा भी तो हो सकता है? नहीं ये हादसा नहीं, मेरा बच्चा कत्ल हुआ है, कत्ल हुआ है, कत्ल हुआ है। लेकिन ना कोई गवाह ना कोई सबूत कुछ भी तो नहीं है? सबूत सबूत है ना, सबूत सबूत है इस मोबाइल में उसकी तस्वीर कि वो लड़की उस दिन उससे मिलने छत पर आई थी। आप उस लड़की से पूछे, उसे सब कुछ पता है, सब जानती है वो। मेरा इकलौता बेटा था सर, मेरा इकलौता बेटा था। अब हौसला रखें, अब हौसला रखें, इंशाल्लाह हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब हौसला रखें। कब से जानती हो अहमद को? 6-7 महीने से। 6-7 महीने से इंटरनेट पे बात हुई तुम्हारी या मुलाकात वगैरह भी हुई थी? सच बोलो सच, सच नहीं बोलोगी तो मेरा शक तुम पे और भी बढ़ जाएगा। 2-3 दफा शॉपिंग सेंटर में मिले थे। इससे पहले वो तुम्हारे घर पे आया था? घर पर तो नहीं आया था, फ्लैट की छत पर आया था। छत पर क्यों? ताकि किसी को पता ना चले और शक भी ना हो। उस दिन वो तुम्हारी छत पर आया था, क्या हुआ था उस दिन? कहाँ रह गई थी तुम? पागल हो गए हो तुम, अभी भी बहाना बनाकर आई हूँ। वैसे अच्छी लग रही है। बस यही बोलने आए थे। नहीं और भी कुछ कहना है? हसीन लग रही हो, खूबसूरत लग रही हो, यहाँ से परी भी लग रही हो। सफेद झूठ झूठ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये कैमरा तो झूठ नहीं बोलेगा ना, क्यों ना एक पिक्चर हो जाए। ये देखो कितनी अच्छी लग रही हो। कोई नहीं, इतनी बुरी पिक्चर आई है।
अगर ये तस्वीर बुरी है तो ये मोबाइल का मसला है। हाँ, अगर ये मोबाइल अच्छा होता तो तस्वीर तो और अच्छी आती है। बस कर दो, तुम कितना झूठ बोलते हो। लुका! लुका! भाई बुला रहे, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो, थोड़ी देर रुको तो। नहीं नहीं, पागल हो गए हो क्या? मैं जा रही हूँ। पहले तुम्हें बड़ी जल्दी हो रही थी, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ जाकर बैठ गई। भाई वो समला को कुछ काम था इसलिए। लेकिन तुम्हें छोड़कर 10 काम और भी करने, मुझे तुम्हें परवाह ही कहाँ है। तुम जानते थे कि तुम्हारी बहन का दोस्त है? नहीं सर, मुझे नहीं पता था। अगर तुम्हें नहीं पता था तुमने उसको मारा क्यों? सर, मैंने उसे मारा? मैं तो उसे जानता भी नहीं था, मैं क्यों उसे मारूंगा? इसका मतलब है वो खुद मर गया या उसने खुदकुशी कर ली? पता नहीं सर, हो सकता है वो डर गया। डर गया था? किससे डर गया था? शायद उसे लगा कि कहीं मैं उसे देख ना लूं, और वो मुझसे छुपने की वजह से। कहाँ जा रही हो, तुम्हें जाने नहीं है क्या? बस 5 मिनट में आ रही हूँ, पर सिमरा के पास जा रही हूँ। जल्दी आना। मैं जा रही हूँ, तुम कहीं छुप जाओ। यार मैं कहाँ छुपूँ यार, कहीं भी छुपूँ मैं जा रही हूँ। यार रहता है तुम मलेरिया अंदर नॉर्थ में क्या कर रहे थे? सर वो अहमद उस दिन 11 बजे मेरे घर आया था। तो जल्दी से तैयार हो, नॉर्थ जाना है। नॉर्थ क्यों यार? लुबना से मिलने हैं, और क्यों? अहमद, अहमद क्या हुआ अहमद? जानते हो उस लड़के को? हाँ, दोस्त था मेरा। आप मेरी बातें यकीन करो, इन लोगों ने प्लानिंग करके मेरे बच्चे को वहाँ बुलवाया और फिर मार डाला, मार डाला। कब से जानती है अहमद को? 6-7 महीने से। 6-7 महीने से इंटरनेट पे बात हुई तुम्हारी या मुलाकात वगैरह भी हुई थी? घर पर तो नहीं आया था, फ्लैट की छत पर आया था। भाई ऊपर आ रहे, मैं जा रही हूँ, तुम कहीं छुप जाओ। यार मैं कहाँ छुपूँ यार, कहीं भी छुपूँ मैं जा रही हूँ। यार देखो, या तो तुम झूठ बोल रही हो या तुम्हारा भाई, दोनों सूरतों में नुकसान तुम्हारी फैमिली का है, इसलिए सही सही बताओ। मैंने आपको सब कुछ सही सही बता दिया है, पर मुझे शक है। शक किस पर? छत पर अक्सर कुछ लड़के बैठते थे, उनमें से एक मुझे पसंद करता था। 2-3 दफ़ा उसने मुझसे बात करने की कोशिश की, मगर मैंने उसे डांट दिया। फिर मुझे लगता है हमारे अलावा उस दिन छत पर वो लोग भी थे, और मेरे जाने के बाद शायद। लो भाई फिर आ गया हीरो। तो आज नहीं छोड़ेंगे। जा रुक जा, अपने हीरोइन से तो मिलने दे पहले। अबे साले तू भी, तुझसे एक लड़की नहीं पटी? बस ये कहने आए थे? नहीं, और भी कुछ कहना है?
खूबसूरत लग रही हो, हसीन लग रही हो, परी भी लग रही हो। डर तो फोटो सेशन चल रहा है भाई। पागल हो गए हो क्या भाई? ऊपर आ जा, मैं जा रही हूँ। सुनो यार, रुको तो यार। चल चल वो गई, आ जा। आप कौन है? आपसे मतलब? हम कौन है? हमसे पूछेगा तू? हमसे पूछेगा तू? हम कौन है? बताओ तेरे को हम कौन है यार? तेरी बात तो सुने यार, आप लोग गलत समझे यार। बात सुनो, मैं गलत नहीं हूँ, बात हो। अब क्या करना है इसका? करना क्या? आगे बैग नीचे। अरे भावलो हो गया क्या? मर जाएगा। बढ़ता था मरने का। उठा ये सब। सर हम लोग सर आप चर्च पीने आते थे ना? चर्सी मिले तो मार कर दो निशान मुझे। लेकिन सर कसम से सर, हम कभी कभी जाते थे सर, रोजाना तो कभी नहीं गए सर। हम कभी कभी भी जाते थे तो फखरिया बात तो है नहीं, पीने चर्सी जाते थे ना। लेकिन सर इस बात का इससे क्या ताल्लुक है? बताओ तो ये क्या ताल्लुक है? हाँ क्यों मारा उसे? क्यों हम क्यों मारेंगे सर उसे? सर हम तो उसे जानते तक नहीं थे सर। सर आप यकीन करें सर, हम उसे जानते तक नहीं थे सर। उसे नहीं जानते थे लेकिन लड़की के चक्कर में तो था ना सर। सर मैं उसे पसंद करता था और मुझे उसने एकदम मना कर दिया था, उसके बाद मैं भी रुक गया था सर। तुमसे दोस्त की नाकामी देखी नहीं गई? किसी दोस्त का बदला लेने के लिए तुमने उस मासूम जान ले ली? सर हम चाय जरूर पीते हैं कभी कभी, लेकिन हम किसी का कत्ल नहीं कर सकते सर। तो फिर कोई आसमान से आया था उसे धक्का देने के लिए? सच से बता वरना छोड़ूंगा नहीं। सर एक आदमी उसे मार सकता है सर, बस एक ही आदमी उसे मार सकता है, उसने बोला भी था सर। कौन? सर वो सर लुबना का भाई सर, शकीब। यार शकीब एक बात करनी है तुझसे, लेकिन अगर तू बुरा नहीं माने तो। बोल क्या बात है? अबे यार देख थोड़ा यार, अपने घर पे नजर रख यार। जो बात है खुलकर बोल भाई। देख बात दरअसल ये है कि एक लड़का छत पे मिलने आता है तेरी बहन से। ओए मेरी बहन के बारे में कुछ कहा ना जान से मार दूंगा, समझा? ये तो तेरा मसला है ना यार,
तू सोचता है नहीं है, सुनता नहीं है, तुझे गर्म हो जाता है खामी में यार। अरे सुन तो ले, हम लोग क्या बोल रहे हैं। अबे तुझे ये बात इसलिए समझा रहे हैं कि दोस्त है तू, अपना जिगरी है पागल, तू समझ नहीं रहा बात को यार। उसकी ऐसी की तैसी, अब वो लड़का है तो बताना, जिंदा वापस नहीं जाएगा। पागल हो गया क्या तू यार? उसको तू तू पहले अपनी बहन को समझा। उसे भी समझा ही दूंगा, पहले उस लड़के को तो देख लूं। यही तो तेरा मसला है, तेरी उल्टी खोपड़ी कहते, तुझसे कोई बात ही नहीं करते, तू समझ नहीं चाहता, तेरे को समझा कह रहे अपनी में लगा रहता, अपनी मगरमान में लगा रहता यार। तो जल्दी से तैयार हो, नॉर्थ जाना है। नॉर्थ क्यों यार? लुबना से मिलने हैं, और क्यों? आप मेरी बात का यकीन करो, इन लोगों ने प्लानिंग करके मेरे बच्चे को वहां बुलवाया और फिर मार डाला, मार डाला। तो फोटो सेशन चल रहा है भाई। यार आप मेरी बात तो सुने ना यार, सारा लड़की चल रहा है। क्यों सर? हम चाय जरूर पीते हैं कभी कभी, लेकिन हम किसी का कत्ल नहीं कर सकते सर। सर बस एक ही आदमी से मार सकता है, उसने बोला भी था सर। कौन? वे मेरी बहन के बारे में कुछ कहा ना, जान से मार दूंगा, समझा? तो उस दिन तुम लोग थे छत पर? नहीं नहीं सर, हम उस दिन नहीं गए थे। कैसे यकीन करूं तुम्हारी बात का? सर वो दोनों बहन भाई झूठ बोल रहे हैं सर। सर आप मेरी बात का यकीन करें सर। सर दोनों बहन भाई झूठ बोल रहे हैं सर, मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं सर? आप मेरी बात का यकीन करें सर। अच्छा तो तू सच्चा है? लेकिन सर जब उस दिन वो छत पर आया था लड़का ना, तो मैंने शकीब को फ़ोन किया था, लेकिन सर मुझे मुझे नहीं पता था कि वो उसको वो हेलो शकीब यार, तुझे उस लड़के का बताया था ना मैंने, वो आया हुआ है अभी छत पर तेरे। देख बेटा कुछ उल्टा सीधा नहीं करियो, तुझे बता दिया है मैंने, ठीक है ना? चल शाबाश, ठीक हो गए। सर आई थिंक हमाद ठीक कह रहा था, तो ये 1:30 बजे के करीब शुकेब के नंबर पे कॉल की गई थी उसके नंबर से। अच्छा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक तो लड़का कितने बजे गिरा था? सर ये कोई 2:45 के दरमियान। चलो कोई तो क्लू मिला, ठीक है दावतनामा भेजो उसको। ठीक है सर, भेजते हैं दावतनामा। जज्बाती हो गया था सर,
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरे सर पे खून सवार था। और करो नशे, इंसान अगर होश में हो तो उसे अंदाजा होना वो क्या कर रहा है। मुझे माफ कर दे सर, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दे सर। तुझे माफ करना मेरे बस में नहीं है, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुझे उस तरह मारता इस तरह तूने उस मासूम को मारा। कहाँ जा रही हो, तुम्हें जाने नहीं है क्या? बस 5 मिनट में आ रही हूँ, पर सिमरा के पास जा रही हूँ। जल्दी आना। हाँ बोल। यार तुझे उस लड़के को बताया था ना मैंने, वो आया हुआ अभी छत पर तेरे। मैं देखता हूँ। देख बेटा, कुछ उल्टा सीधा नहीं करियो, तुझे बता दिया है मैंने, ठीक है ना? हाँ मुझे पता है, तू फोन रख। चल शाबाश, ठीक हो गए। अगर मोबाइल अच्छा होता तो ये तस्वीर भी अच्छी। बस कर दो, कितना झूठ बोलते हो तुम भाई। आप भाई वो क्या हुआ यार, मेरी बहन के साथ खड़ा हुआ कह रहा क्या हुआ यार? क्या खामोश, क्या कर रहा था इसके साथ तू? मेरी कौन लगती है ये? कौन लगती है तेरी? सबर यार सुनो यार, देखो अरे यार बात बात तो सुनो यार, तेरी तो मैं मेरी बहन से मिलता है, चल तेरी तो अभी तेरे को बता तो मैं, आ जा अभी देख तेरे को मैं क्या सबक दे दूँ। उठ उठ, पता चला तेरे को कि मैंने क्या किया तेरे साथ? ये देख। लव्स मौत अपने अंदर एक तारीकी को समोए हुए है, लेकिन ये अंधेरा उस वक्त और भी गहरा हो जाता है जब मौत किसी नौजवान की हो। टीनेज में बढ़ते हुए बच्चे अचानक अपना मुकाबला एक तजुर्बेकार शख्स से करने लगते हैं, और यहाँ से बुनियाद पड़ती है टीनेजर्स में एक ऐसी बुराई की जिसे ओवर कॉन्फिडेंस कहा जा सकता है। इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अक्सर वाकयात सानेहात में तब्दील हो जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया मार्च सन 2010 में कराची में पेश आया, जिसमें अब्दुल समद नामी नौजवान अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि मरने वाला अपने दोस्त से मिलने उसके फ्लैट की छत पर गया था, जहां से वो नीचे गिर गया। शुरू में तो बाजार ये हादसा ही लगा, लेकिन छत से नीचे गिरने से चंद मिनट कबल मकतूल ने अपने मोबाइल फ़ोन से उस लड़की के साथ अपनी तस्वीर उतारी थी। इस तरह मकतूल की लड़की के साथ मुलाकात साबित होती है। फॉरेंसिक एविडेंस की रोशनी में लड़की के भाई का अब्दुल समद की मौत से तल्ख नज़र आता है, इसलिए पुलिस कल मुलजम को चार्जशीट के साथ अदालत में पेश करेगी। करें